आलम भाई को देखकर ऐसा क्या खिंचाव है, इन्होंने क्या कर रखा है नहीं मालूम हाँ। पब्लिक के साथ ठीक है, कौन सा ताबीज बहन दिया हाँ। वो तो कह रहे, वो तो होता ही है जी, यहाँ पर यहाँ प्यार का ताबीज बांधा जाता है, नहीं समझ में आता। कई जगह प्लाट देखने गए, लोगों ने हमें बहकाया, यहाँ देख लो वहाँ देख लो, लेकिन और ऐसा लगा कि हाँ कुछ पैसे थोड़े से कम भी हो रहे हाँ। लेकिन इनकी मोहब्बत और इनसे जो भरोसा है, हमें लगता है भरोसा भाई कहीं हमें मिल नहीं सकता। लेकर के आगे आपको न्यू आलम प्रॉपर्टीज, और जैसे कि आप लोगों को चाहिए होता है ना खुद का घर, अगर दोस्तों आप कहीं भी घर तलाश कर रहे हैं या आप प्लॉट तलाश कर रहे हैं या आप किराए पर रह रहे करके थक गए या आप चाहते हैं खुद का मकान, दोस्तों आप लोगों का खुद का घर यहां पर होने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ है वो लोग जिन्हें आज तक खुद का घर नहीं मिला है, आज की वीडियो में उन्हें वाकई में घर मिलेगा, यानी उन्हें मिलेगी किराए से मुक्ति, जिस तरह से हमारे इन सभी भाइयों को मिली है। तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर न्यू आलम प्रॉपर्टीज पर। और एक बार फिर से आ गए हमारे साथ आलम भाई। तो आलम भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। आलम भाई हम इसलिए आए आपके पास, आज हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं क्या आप वाकई में किराए से मुक्त कराते हैं लोगों को, यानी जो भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं क्या वो भी एक दिन खुद का घर ले सकते हैं, उनका भी सपना पूरा हो सकता है? सभी भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका आलम भाई आपके लिए लेकर आता रहता हूँ अच्छे अच्छे प्लॉट, अच्छी अच्छी कॉलोनी, अच्छी अच्छी लोकेशन। हाँ जी, काफ़ी भाइयों का सपना पूरा करा चुका हूँ। अच्छा, और आप भी भाई वीडियो देख रहे हो, आओ एक बार, आपको भी दिखाते हैं, आपका भी सपना पूरा होगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो दोस्तों अगर आपको सपना पूरा करना है तो आपको इसी तरह से आना पड़ेगा न्यू आलम प्रॉपर्टीज़ पर, जैसे कि ये सभी लोग आए हुए हैं। और देखिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं, अभी हम कुछ बात कर लेते हैं सर से। जैसे सर आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद, आप कहाँ से? जी हम अभी तो बेंगलोर से आए फिलहाल। इतनी दूर से? हाँ इतनी दूर। अरे सर आपको कैसे पता चला है आलम भाई प्लॉट सेल कर रहे हैं? मोहब्बत खींच रहा है, हमने कभी क्या नहीं सोचा था कि दिल्ली में प्लॉट लेंगे। अच्छा जी, लेकिन आलम भाई को देखकर ऐसा क्या खिंचाव है, इन्होंने क्या कर रखा है नहीं मालूम पब्लिक के साथ, ठीक है, कौन सा ताबीज बहन दिया? वो तो कह रहे, वो तो होता ही है जी, यहाँ पर यहाँ प्यार का ताबीज बांधा जाता है, नहीं समझ में आता। कई जगह प्लॉट देखने गए, लोगों ने हमें बहकाया, यहाँ देख लो वहाँ देख लो, लेकिन और ऐसा लगा कि हाँ कुछ पैसे थोड़े से कम भी हो रहे हाँ। लेकिन इनकी मोहब्बत और इनसे जो भरोसा है, हमें लगता है भरोसा भाई कहीं हमें मिल नहीं सकता, और हम लोग इनको नहीं छोड़ सकते, और हो सकता अंतिम समय भी यहीं बीते आलम भाई की किसी बस्ती में। अरे वाह, क्या बात कह दिया आपने, ये लीजिए। यानी दोस्तों यहाँ तो इन्होंने अपना पूरा इंश्योरेंस करा दिया पूरी लाइफ का, यानी रहना भी यही है, खाना पीना भी यही है, और दुनिया से जाना भी यही है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र हो, आलम भाई के साथ में से रहके। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा ना हो, खुदा ऐसा ना करे कभी भी, आप खूब अच्छे रहे भाई जी। हाँ जी, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, एक इंसान है, बस बस सब बराबर है। तो दोस्तों सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, और सबको मिलेगा खुद का घर मिलेगा। अभी हमने इनका एक वीडियो देखा, इन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन के उभरे हैं। हमें अगर सबको ही ऐसा करने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश का माहौल कितना अच्छा हो जाए। मंदिर का उद्घाटन, फौरन मस्जिद का उद्घाटन, मंदिर पहले बना दिया, मस्जिद बाद में बनाई, वो बात नहीं है, लेकिन दोनों चीजें बना के दी, यानी दोनों चीजें बना के देते हैं। जिस तबके के लोग यहाँ पर आते हैं, जिस तरह के लोग आते हैं, सबको सब चीजें बिल्कुल सब चीजें मिलती, मंदिर मस्जिद बना के। उस दिन हमें ऐसा लगा कि अब देर नहीं करनी चाहिए हमें। अब ये बताओ आपने कितने गज का प्लॉट बुक कराया यहाँ पर? हमारा 70 गज का पहले से बुक है, आज हम आए हैं कि इनको ऑर्डर देने के लिए कि बस अब बना दो कि हम आपके करीब आ जाए, दूरी अब बर्दाश्त नहीं है। अरे वाह क्या बात है, यानी दोस्तों रहना भी आलम के पास है, आलम भाई के पास है, और यहाँ पर खाना पीना भी आलम भाई के पास है, और पूरा जीवन भी यही बिताना है आपको इंशाल्लाह। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आलम भाई ये बताइए। सीधा घर से निकलना है, गाड़ी पकड़नी है, अपनी गाड़ी लेकर आना है, सीधा न्यू आलम प्रॉपर्टी पर आना है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों और भी काफी लोग आ गए हैं, देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं। तो आलम भाई जैसे ये सभी लोग आए हुए हैं प्लॉट लेने के लिए, अपने मकान लेने के लिए, कुछ लोग किस्त देने के लिए भी आए हुए हैं। तो मैंने सुना है आप किस्तों पे भी यहाँ प्लॉट प्रोवाइड कराते हैं? भी देते हैं, वैसे भी देते हैं। मैं कितने साल की किस्त? एक को और बुलाना चाहूंगा भाई, आओगे इधर? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। बैठो सर, बैठो। मोहम्मद खुर्शीद आइए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए आप, बैठिए बैठ जाइए। ये विदेश से ऑनलाइन बुक किया था। अच्छा, आज इनकी नपाई वपाई हो चुकी है। हाँ। इन्होंने बिना देखे 50,000 रुपए डाल दिए थे मेरे अकाउंट में। ठीक है जी, पूछो भाई से। तो सर ये बाकी में सही है बात? बिल्कुल सही बात है जी। तो विदेश में कहाँ से देखी थी जी वीडियो? यूरोप से।
सऊदी अरब से काम करने के लिए गया हुआ है कोई या आप भी गए थे? नहीं, काम करने के लिए मेरी बहन हुई जी है वहाँ सऊदी अरब में। बहन है ये? मेरी बहन है। हाँ जी। अच्छा, तो प्लॉट मतलब इन्होंने लिया है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, कैसा लग रहा है प्लॉट लेके बताएंगे थोड़ा? मतलब जो वीडियो में दिखाते हैं वो जेन्युइन है? नहीं, सही है, सब सही है, सब सही है ना जी। तो कितने दिन हो गए जी प्लॉट लिए हुए? प्लॉट लिए हुए हमें 3 महीना हो गया, बाकी सारी पेमेंट हमने ऑनलाइन ही है। और आज पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लॉट अभी प्लॉट आपने देखा नहीं? देखा अभी, अब आज दिखाया, बस देख लिया है, आज ही दिखाया। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, विश्वास से देखिए। क्या बात है जी, सभी भाइयों को बहुत विश्वास है, ऑनलाइन पैसे डालते बिना देखे, बस यहाँ आलम प्रॉपर्टी में हो रहा है। तो विश्वास ऐसी कायम रहता है, जब भी तो लोग आते हैं जी। हाँ जी, इंशाल्लाह कायम रहेगा, रहेगा ना आलम भाई, विश्वास कायम रहेगा, इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे पूरा। चलिए अच्छी बात है जी, लगातार चलने वाला विश्वास है ये। अच्छा, आपके साथ है जी? हमारे साथ है। अच्छा, बताइए जी, आप भी कहाँ से? हम बेंगलोर से ही। हाँ, बेंगलोर से साथ में आए हैं दोनों जाने है, तो रहने वाले बेंगलोर। अच्छा, से डायरेक्ट आए, बेंगलोर में ही रह रहे हैं आजकल। तो वीडियो देखे? हाँ, बराबर डेली एक दिन। तो ये बताइए, जैसे वीडियो में दिखाते हैं वही चीज आपको यहाँ पर दिख रही है? हाँ, दिख रही है। वैसी भीड़ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने अभी जगह देखी नहीं? देखी, देखिए, देखिए जगह कैसी लगी? जगह अच्छी है, जगह जगह सही है कि आलम भाई? दोनों सही है। जब देखो दोनों लोग सही होंगे, जब भी तो कुछ होगा जी। बिल्कुल। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात हो रही है, जो लोग किराए पर रह रहे के थक गए, जो लोग चाहते हैं खुद का मकान, तो सभी का सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए आलम भाई के पास, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग साइट है। आलम भाई, सिर्फ इतना और बता दीजिए, यहाँ पर ये जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, किस जगह? सभी भाइयों ने खजूरी भजनपुरा देखा है, खजूरी से ऑटो मिलता है पूजा कॉलोनी के लिए। हाँ जी, पूजा कॉलोनी में मेरा ऑफिस है, न्यू आलम प्रॉपर्टी के नाम से। ठीक है, वहीं पे आ जाओ, वहीं से आपको सारी साइट दिखा दी जाएगी। मेट्रो से आना चाहते हो, शिव विहार मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा, शिव विहार मेट्रो स्टेशन आके आप कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, सारी आपको साइट दिखा दी जाएगी। तो दोस्तों अभी देखिए, यहाँ पर काफी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं सीधा साइट पे और दिखाते हैं किस तरह के प्लॉट हैं, और आप भी यहाँ पर आकर के कैसे अपना जीवन बिता सकते हैं, कैसे आप खुद के घर के मालिक बन सकते हैं। तो आलम भाई बनेंगे ना? हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर, तो सबको बनाएंगे ना इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, वीडियो मत देखिए, फटाफट से चले जाइए भाई। 40 साल से सेवा में लगे हुए, 40 साल से हमारे पापा दादा, और अब हम खजूरी से काटना चालू किया था, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है जी, यानी ये मानो खजूरी से प्लॉट काटने चालू किए। हाँ जी, और 8 से 10 साल, ये मानो 8 से 10 किलोमीटर के अंतर में काट चुके हैं जी। ठीक है, जो चल रहा है जी। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार यहाँ पर जरूर आइए, अगर आप लोग भी चाहते हैं किराए से बुक्त होना, खुद का घर लेना या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं दिल्ली के पास। और काफी भाइयों का सपना पूरा हो चुका है, लाखों आदमी का सपना पूरा हो चुका है, जिनके मकान बन चुके हैं, अपने मकान में पहुंच चुके हैं जो। ठीक है जी, तो आपका भी हो सकता है, उसके लिए आप आओ न्यू आलम प्रॉपर्टी पे, जैसा चाहो आप, ना किसी की बातों में आओ, ना किसी के कहने में जाओ, सीधा न्यू आलम प्रॉपर्टी पे आओ, जैसा चाहो ऐसा आपको प्लॉट मिल जाएगा, जैसा चाहो ऐसी कॉलोनी में बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। आलम भाई देंगे ना? बिल्कुल इंशाल्लाह, जरूर आपको मिला है ना जी, तो सबको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली से देहरादून जाने वाला हाईवे बन रहा है। आलम भाई, ये हाईवे जो है हमारा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ये मार्च लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट पे चल रहा जी अब। तो थोड़ा कनेक्टिविटी बताइए, किस तरह से कनेक्टिविटी रहेगी इस फ्लाईओवर? ये सीधा अक्षरधाम मंदिर से आया है। अच्छा जी, अक्षरधाम से सीधा देहरादून के लिए निकल रहा जी। वैसे पूरा लंबा हाईवे जोड़ोगे तो यहाँ से आप सीधा। अच्छा जी, देखिए दोस्तों यहाँ पर बसें भी दिखाई दे रही है आपको, बस चलती हुई हर जगह के लिए, यहाँ से बस की सेवा है, ऑटो की सेवा है, और रिक्शा भी मिलता है जी यहाँ। हाँ जी, सब मिलता है जी। और यहाँ से आप बैक में जाओगे तो अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर से नोएडा, नोएडा से सीधा आगरा, आगरा से सीधा मुंबई। तो यहाँ से आपके लिए साइड पर एंट्री हो रही है, और ये रास्ता देखिए आरसीसी का बना हुआ है पूरा, और दोनों तरफ मार्केट देखिए, दुकानें। तो आलम भाई, किस किस चीज़ की दुकानें यहाँ पर हैं? यहाँ पे परचून की, राशन की, कपड़े की, जूतों की, सब चीज़ की दुकान है जी। अच्छा जी, यानी सोने चांदी की सब चीज़ की दुकान है, यानी जो भी आदमी को जरूरत की चीज़ें होती हैं सब प्लॉट के आसपास आपको मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए जूते, चप्पल और घर का जो भी सामान होता है, फ्रूट्स की यहाँ पर दुकान, फ्रूट्स जूस की दुकान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह की देखिए ये पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो आलम भाई, यहाँ पर दुकानें किराए पर भी मिल जाती है क्या? हाँ, अगर हम दुकान करना चाहेंगे, सुनार की दुकान भी है, सब है यहाँ पे जी। अच्छा जी, कोई दोस्तों अगर किराए पर दुकान लेके रोजगार करना चाहे ना, तो वो भी कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ आसपास काम करना चाहते तो इंडस्ट्रीज एरिया भी आपको पास में मिल जाता है। बस हुआ, एक से एक कोठी बनी हुई है यहाँ। अच्छा, कई कई करोड़ लोगों ने लगा रखे है यहाँ की कुछ वैल्यू, तभी तो इतना पैसा लगा रखा है, वरना कौन इतना पैसा लगाता है।
हाँ जी, देखिए दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी कोठियाँ बनी हुई है, घर बने हुए, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की प्रॉपर्टी होगी। जब इन लोगों ने इतने पैसे लगाए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। आज भाई, हाँ जी। ये आपका राम सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। चलिए सर थोड़ा आगे चलिए। बीकॉम एमकॉम जैसा। अच्छा जी, बड़ा कॉलेज बनेगा जिसमें, यानी यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कॉलेज भी है, देखिये छोटे बड़े सब तरह के कॉलेज आपको मिल रहे। और एक फिर से स्कूल आ गया, देखिये जो जो हम आपको दिखा रहे थे, ये देख सकते हैं, ये CPC स्कूल है। तो इस तरह के बहुत स्कूल हैं और यहाँ साथ में देखिए काम चल रहा है, बहुत बड़ा एक बैंकेट हॉल बनाया जा रहा है, बारात घर कहते हैं। ये हॉस्पिटल बन रहा है, इसके आगे बैंकेट हॉल है जी, यानी दोनों चीजें एक साथ, दोनों चीजें जी। तो आलम भाई, अभी हम बिल्कुल साइड पे आ गए। इस साइड की अगर हम बात करें तो इसका क्या नाम है आपने जो इसका? दिल्ली सिटी नाम है जी, यानी दिल्ली सिटी 1। हाँ जी, जो पहले आपने देखा होगा सबसे पहले कॉलोनी, ये 8-9 महीने के अंदर यहाँ पहले कुछ नहीं था, 8-9 महीने पहले, आज ये पूरा बस चुका है जी। और इतने बड़े बड़े लोगों ने घर बनाया, स्कूल बना दिया जी। ये स्कूल बना हुआ है? हाँ जी। तो ये पूरा लेंटर के अंदर है? हाँ जी, लेंटर है, स्कूल बन गया। ये देखिए, और दोस्तों यहाँ पर इस तरह से लोग सुबह आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चों के लिए स्कूल है यहाँ पर, और इसी लाइन में घर भी बनने। ये आपका 20 फीट का रोड दे दिया हमने। तो आलम भाई, ये सामने घर आप ही बना रहे? 50 गज का मैं ही बना रहा हूँ, ये भी मैं ही बना रहा हूँ 200 गज में। अच्छा, इधर भी बनेगा अभी, उधर ही बनेगा। हाँ जी, आइए कुछ घर बनते हुए भी दिखा देते हैं। चलो दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आलम भाई के यहाँ पर छोटे घर होते हैं या गरीबों के लिए घर होते हैं, बड़े घर भी होते हैं यहाँ पर, सब तरीके के आते हैं हमारे पास भाई। यानी जैसा आपको मकान चाहिए, जैसा प्लॉट चाहिए, वैसा आपको मिल जाएगा जी। जितना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं बताइए, उसी हिसाब से आलम भाई बना के दे देंगे। हाँ जी। और यहाँ पर ये जो घर है जी, ये कितने गज का बना हुआ है? 60 गज का जी। अच्छा जी, इसमें एक कमरा बना रखा जी। 60 गज में देखिए आपने गुजारे लायक, कोई जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकता है। हाँ। आपके हिसाब पर है, यानी आपके जो बजट है उसी हिसाब से ये घर यहाँ पर बना करके दे देते हैं। हाँ जी। और आलम भाई, ये जो हमारा घर है ये कितने गज का बना? ये 50 गज में। आइए ये भी दिखा देते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो एक और मकान यहाँ पर बनना है। आलम भाई, कितने गज का मकान बना के दे रहे हैं? ये 50 गज का है जी। आइए दोस्तों दिखा देते हैं किस तरह से बनाया जा रहा है। जैसे आलम भाई बात करें, किस तरह से बना है, पीछे एक कमरा, लैट्रिन बाथरूम, रसोई, जीना, सब कुछ है इसमें। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, शुरू में आपको ये खाली जगह मिल जाती है, जीने के नीचे आप गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं, ऊपर जीने का रास्ता दिया गया, सामने एक कमरा है और एक इधर भी कमरा है, अंदर दो कमरे हैं आलम भाई, एक नहीं बराबर में लैट्रिन बाथरूम अटैच है। अच्छा, यानी दोनों चीजें दी हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी इस पर काम हो रहा है, ये लेंटर में बनना है मकान? लेंटर गिर गया। अगर कोई इस तरह का मकान आपसे बनवाना चाहे तो शुरू में उसे सामने क्या देना पड़ेगा ये बताइए? 50% लेते हैं, बना के दे देते। और ये कंप्लीट करके दे चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, यानी हैंड ओवर कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो आलम भाई, इस तरह के घर को अगर हम बना के छोड़ना चाहें, रेंट पे देना चाहें, तो क्या इनकम हो जाएगी? एक रूम का 4-5 हज़ार रुपए किराया है यहाँ पे। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए आप इस तरह से मकान बना के यहाँ पर छोड़ दीजिए, पीछे भी देख सकते हैं, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, चारों तरफ मकान ही मकान आपको दिखाई देंगे। ये सारा कमाल है न्यू आलम प्रॉपर्टीज दिल्ली सिटी 1 का, जो कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर इतनी विकसित हो गई है कि आपको लाइट का जो ट्रांसफार्मर है ना, वो भी यहाँ पर देखिए आपके सामने दिख रहा है। आलम भाई, ये भी आपने लगवा के दिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो और गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है यहाँ पर? अब तो गवर्नमेंट की तरफ से पानी की लाइन आ गई, पानी की लाइन है, वाईफाई है, सब। अच्छा जी, चलिए दोस्तों आप यहाँ पर आ सकते हैं आलम भाई के पास, इस तरह से मकान भी बनवा सकते हैं और चाहे तो खाली प्लॉट भी ले सकते हैं, लाइट भी है, पानी भी, सब कुछ है। तो आलम भाई ये बताइए, खाली प्लॉट में क्या रहेगा यहाँ पर, कितने रुपए से स्टार्ट है आपके पास जमीन? मेरे पास 8,000 रुपए गज से, 30,000 रुपए गज, 25 गज का प्लॉट, 25 गज, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, जैसी कॉलोनी मिलोगे ऐसा रेट है जी। और कोई बना हुआ लेना चाहे 25 गज का? कम से कम 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जैसा चाहो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आलम भाई बैंक से लोन। अच्छा जी, तो दोस्तों यहाँ पर पक्की रजिस्ट्री और बैंक से लोन भी करा के देंगे। हां जी, बैंक से लोन हो जाता जमीन पर। तो दोस्तों देखिए आलम भाई को अभी हम ऑफिस से लेकर के आए, अब लोग वहाँ पर इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आलम भाई को प्लॉट भी बुक करने हैं, बात भी करनी है कुछ लोगों से। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, किराए से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो जल्दी से आ जाइए न्यू आलम प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा आपका खुद का घर। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे दोस्तों तो आप कभी नहीं ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो हो सकता है कि आप भी मकान मालिक बन जाएं, जैसे कि सभी लोग बन गए। हाँ जी, हाँ जी। तो बनेंगे ना आलम भाई? हाँ जी बनेंगे। तो जल्दी से चले आइए न्यू आलम प्रॉपर्टीज। आना कैसे है एक बार एड्रेस बता दीजिए, क्या रहेगा? सभी भाइयों ने खजूरी भजनपुरा देखा है, खजूरी से ऑटो मिलते हैं पूजा कॉलोनी के लिए। हाँ जी, पूजा कॉलोनी में मेरा ऑफिस है न्यू आलम प्रॉपर्टी के नाम से। ठीक है जी, जैसा चाहो ऐसा आपको दिखा देंगे जी। ठीक है, तो दोस्तों बेफिक्र होकर के आ जाइए, इस वीडियो को अपने यार दोस्त फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोग यहाँ पर प्लॉट ले सकें। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं एक बार सर को कॉल जरूर कीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके।
सके। यानी कहने का मतलब ये आलम भाई, अगर हमारे भाई यहाँ पर आएंगे, थोड़ी बहुत दूरी पर है, जैसे मान लीजिए सिग्नेचर ब्रिज पर है, लाल किले पर है, आस पास आ चुके हैं, तो वहाँ से पिक एंड ड्रॉप करा लेंगे, करा लेंगे पूरे दिल्ली NCR में, जहाँ बोलोगे वहाँ से पिक एंड ड्रॉप करवा लेंगे। तो दोस्तों जल्दी से चले आइए न्यू आलम प्रॉपर्टीज, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं फिर से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। Thank you.